मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2022 का अंत शानदार अंदाज में किया। टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मुंबई ने टूर्नामेंट के अपने आखिरी मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर एक सिर्फ जीत के साथ सीजन खत्म किया, बल्कि जाते जाते रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और उसकी फैंस की दुआओं भी लेकर गए, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम ने अपनी सफलता के साथ ही बेंगलोर को किताब दौड़ में शामिल करवा दिया। वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया, जिसने इस सीज़न में दिल्ली को सिर्फ यही ख़त्म कर दिया, जबकि बेंगलोर को इसका फ़ायदा मिला जो प्लेऑफ में पहुंच गई है। हालांकि इस जीत के बावजूद मुंबई के सीज़न का अंत सबसे आखिरी टीम के रूप में किया। बैटिंग में दिल्ली ज़्यादा दम नहीं दिखाया सकी थी और सिर्फ 159 रन ही बना सकी, लेकिन गेंदबाजी की टीम में ज़बरदस्त खेली गई दिखाया और मुंबई को मुश्किल में डाला। कप्तान रोहित शर्मा ने 13 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बना सके, हेनरिक नॉर्खे का शिकार बने। हालांकि डेविन ब्रिसेवेल और ईशान किशन ने एक अच्छी साझेदारी की और टीम को मुकाबले में बनाए रखा। हालांकि दोनों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, दोनों ने 31 गेंदों में 51 रन ही की साझेदारी की। हालांकि ईशान और अच्छी पारी के बाद अर्धशतक से चूक गए। तो इस प्रकार से कुछ हाइलाइट्स थे इस वाली मैच में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल का सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।